ये है सरयू यमुना एक्सप्रेस, 27 नवंबर को खुली है अमृतसर से, 14650 है। ये स्लीपर क्लास का हाल है। भारतीय रेलवे कितनी अच्छी सुविधा आपको दे रहा है ये आप यहाँ देखिए। हाया घाट का पुल खुला है इधर, नहीं सारी कपड़ा गिला हो गया, सारा कपड़ा देखिए, सारा कपड़ा गिला है, कैसे होगा देखिए, तो ये सारे कपड़े गिला हो गए है ना पूरा। ये पानी कहाँ से आया? ये पानी पता नहीं कहाँ से आया, हमें सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं लगा कि कहाँ से आया। ये हाल है, सब अपना सामान बचा रहे हैं, सामान बचाए कि खुद बैठे कि कहाँ जाएं, ये आप तो पैसेंजर को भी पता नहीं कि कहाँ जाना है। ये देखिए ये पानी है, वाह क्या हाल है। रेलवे का काम, ये सामान आप उठा करके रखे सीट पे, गीला हो गया सारा गीला हो गया, सारा गीला हो गया, बाथरूम से पानी आया। अच्छा बाथरूम से पानी आया नहीं, देखिए सभी कंपार्टमेंट में पानी लगा हुआ है। ये स्लीपर क्लास है S2 है, 14650 का, 27 नवंबर को अमृतसर से खुली है, जयनगर जाएगी। जयनगर पहुंचने से पहले ही कोच में सैलाब आया हुआ है। इसके लिए आप लोगों को भारतीय रेलवे को धन्यवाद कहना चाहिए कि आप लोगों के लिए पानी के लिए पूरा एकदम दिल खोल दिया है, नहीं पूरा देख रहे हैं पानी है। सरयू यमुना बह रहा है ये देखिए, ट्रेन का नाम है सरयू यमुना और वहां से आंटी कह रही है कि सरयू यमुना बह रहा है। ये कंप्लेंट भी किया था। अच्छा आपने कंप्लेन किया था, कंप्लेन की कोई सुनवाई हुई कि नहीं? सुनवाई नहीं है, सुनवाई होता तो ऐसी यमुना बहती। कंप्लेन कब किए थे? हम लोग कंप्लेन किए थे 12:30 बजे है ना, 12 से पहले ही समझे 11:30। कितनों का सामान खराब हो गया होगा? सबको सामान खराब, देखिए ना फिर सब अपना अपना सामान लेके बैठे हैं, सब अपना अपना सामान बचाने के लिए सीट पे रखे हुए हैं, फिर भी गीला हो गया होगा, गीला हो गया। चलिए ये सरयू यमुना आपके कंपार्टमेंट में बह रहा है, ठीक है। हाँ अपना नाम भी उनको बताया, मैं बोला उनको कि 14650 गाड़ी नंबर है, मेरा नाम श्याम सुंदर है, S2 में मेरा है टिकट, 57/60 मेरा सीट नंबर है, सब कुछ मैं उनको बताया। इसके बाद भी कहने की मतलब कहता आदमी मैं भेज रहा हूँ, कोई आदमी नहीं आया, पानी में सारा सामान सब हमारा महक रहा, सब उठा उठा के सब मैं रखा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। कितनी बार कंप्लेन किए थे? कम से कम रख ले 5-6 बार। अब दिखाता हूँ आपको ना, देखिए ना कितने कहाँ कहाँ मैं फोन किया हूँ, बिजली वाला को किया, बिजली वाला भी आया था वो देखेगा कि हमारा काम नहीं, सफाई वाला को नंबर आपको देता हूँ, देखिए कितने सफाई वाला को मैं किया हूँ, 3 नंबर है, 3 नंबर मैं किया हूँ, देखिए इधर देखिए रेलवे का भी किया हूँ, देखिए सब नंबर है रेलवे पे भी आप कंप्लेन दर्ज कर, रेलवे पर भी कर दिया हूँ कंप्लेन, देखिए ना सारे कंप्लेन किया हुआ है, फिर कोई सुनवाई नहीं किया है। अच्छा ये देखिए ये यात्री हैं, कई बार कंप्लेन करके थक चुके हैं लेकिन पानी अभी भी लगा हुआ है। सबसे पहली बात ये है कि कोई देखने तक नहीं आया, देखने तक कोई नहीं आया, हाँ भी नहीं आया, कोई देखने नहीं आया अभी तक। एक बंदे जो ऊपर वाला एक आई नंबर वाला, मैं बोला तो कहता है कि मैं कहा महाराज आके कोई देखो करो, कहता मैं यहाँ थोड़े उन्हें कर दूंगा, मैं कहा आपके आदमी है उसको बोलो आके करे, कहता कंप्लेन कर दो कोई बात नहीं, ऐसे बोलता हमारे। चलिए देखिए भारतीय रेलवे हमसे यात्रा करने के लिए हमसे पैसे लेती है और जो सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा तो आप देख रहे हैं, यहाँ कितनी अच्छी सुविधा दे रही है। सरयू यमुना है ट्रेन का नाम है और सरयू यमुना इधर बह रही है, 14650 तो हम तो बता ही चुके हैं, जो अमृतसर से खुलती है जयनगर को जाएगी, 27 नवंबर को खुली थी और वैसे ट्रेन 4-5 घंटा तो लेट है, 5 घंटा लेट है, वो एक अलग छोड़ दीजिए, उसको तो आप अलग छोड़ दीजिए, बाकी ये देखिए ये हाल है, दरिया बह रहा है, पूरा दरिया बह रहा है, अभी तो पूरा बहुत कम हुआ है पानी, बहुत पानी पहले था, पानी निकल रहा, देखिए ना वहाँ से निकल रहा पानी, निकल ही रहा आपके सामने है, देखिए अभी भी निकल रहा, पहले तो बहुत ज्यादा निकल रहा था, अभी चलेगी तो। अच्छा पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है लेटिंग से, लेटिंग का पानी में सारे मतलब टॉयलेट का पानी आप लोग के कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट है, महक रहा है एकदम, आदमी बुरा हाल हो चुका है हम लोगों का, कोई सुनने वाला तक नहीं है, सुनने वाली कहाँ होता है, इंडिया में कोई सुनवाई होता है क्या, जब आदमी मर जाए तब सुनेगा, पहले नहीं सुनते।